और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से। सीमा हैदर से आज दूसरे दिन भी यूपी एटीएस लगातार पूछताछ करेगी। सीमा हैदर, सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल से पूछताछ का दौर जारी है। कल 8 घंटों की पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। नोएडा पुलिस की जांच अधिकारी से जानकारी मिली है, केस डायरी पढ़ी जा रही है। सीमा हैदर पर ISI से और पाकिस्तान की आर्मी से जुड़े होने का शक जताया गया है। कई सवालों पर ATS को गुमराह करती रही है सीमा हैदर, ऐसा आरोप लगाया गया है। इसके अलावा सीमा हैदर के मोबाइल फोन को फोरेंसिक लैब भेजा गया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात अधिकारियों से जानकारी मांगी गई है। IB से इनपुट मिलने के बाद ATS मामले की जांच में जुटी है। आज सीमा हैदर से पूछताछ में और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से, सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ अपने प्रेमी सचिन से मिलने के लिए नोएडा आ गई थी। नेपाल के रास्ते उन्होंने ये पूरा सफर तय किया था और सचिन के साथ वो रह रही थी, लेकिन जांच एजेंसियों को जब इसके बारे में जानकारी मिली तो फिर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिशें की जाने लगी। उनको गिरफ्तार करने के बाद में जमानत दे दी गई थी, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट हो सकती हैं, जो भारत में खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद पाकिस्तान भेज सकती हैं। इसी के चलते UP ATS आज भी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। कल UP ATS ने सीमा हैदर को गिरफ्तार किया था और उसके बाद से लगातार पूछताछ का दौर जारी है। सीमा हैदर के साथ साथ सचिन और उनके पिता नेत्रपाल से भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि सीमा हैदर पर पहले किसी ने शक नहीं किया था। सीमा हैदर को लेकर लगातार मीडिया में नई नई स्टोरीज आ रही थी, नए नए अपडेट आ रहे थे और सीमा का कहना था कि वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहती हैं, अपने पति सचिन के साथ रहना चाहती हैं और वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती हैं। सीमा हैदर ने डर जताया था कि अगर वो वापस पाकिस्तान गई तो फिर उनकी जान को खतरा है, वहां पर उनकी ऊपर हमला किया जा सकता है और उनकी जान ली जा सकती है। लेकिन अब UP ATS ने उन्हें गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है। ऐसे में शक जताया जा रहा है कि सीमा हैदर कई बड़े खुलासे कर सकती हैं और वो ISI की एजेंट हैं और पाकिस्तान आर्मी से भी उनके तार जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ कयासों में कहा जा रहा है, हकीकत में अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ है। जितने लोग हैं उतनी तरीके की बातें हो रही हैं, लेकिन ATS लगातार शक के दायरे में सीमा को लेकर पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से, सीमा हैदर से आज दूसरे दिन भी UP ATS पूछताछ करेगी। सचिन, सीमा हैदर और सचिन के पिता नेत्रपाल से पूछताछ का दौर जारी है। कल 8 घंटे की पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। नोएडा पुलिस के जांच अधिकारी ने जानकारी दी है और केस डायरी पड़ी है। सीमा हैदर पर ISI से और पाकिस्तान की आर्मी से जुड़े होने का शक है।